प्रदेश में हालदानी कोरोना रा 11,400 मामला आया सामने। आज मिलिया 144 नया केस, 5 लोगारी हुई मौत। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया कोरोना री रोकथाम और लोगों ने इंसू बचावा खातर करिया जा रिया जरूरी प्रयास। 40,000 जांचा रोजेना करवारो राखे हुए लक्ष्य। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कोविड-19 से बचाव खातर प्रदेश में 21 से 30 जून तक चले लो खास जागरूकता अभियान। कोरोना संक्रमण से बचाव खातर आम जन ने करियो जावलो सावचेत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में कई कार्यक्रमों में लियो हिस्सो। लोगारी सुनी समस्याओं, टिड्डी से प्रभावित खेतरारों करियो दौरो। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कहो 50,00,000 से बढ़ता श्रमिक नियोजन का साथ है। मनरेगा में राज्य देश में पहला स्थान मत है। लॉकडाउन के टाइम मनरेगा के तहत रोजगार मिलवा से ग्रामीणों ने मिलो पूरा आर्थिक संबल। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा, समाचार अब विगतवार। प्रदेश में कोरोना रा हालतानी 11,020 मामला सामने आ चुका है। हालांकि 8,182 मरीज इलाज से पाछे ठीक भी हो चुके हैं, जिनमें 7,779 मरीजों ने शफाखाना से छुट्टी दी जा चुकी है। प्रदेश में आज 144 नया मरीज सामने आया, जिनमें से सबसे बदतर जयपुर में 61 मामला मिला है। जयपुर के चार दीवारी खेतर में सुभाष चौक माले पानीरा दरिया में एक ही माए मकान में 26 कोरोना संक्रमित मिला है। इनसे न्यारे भरतपुर में 30, अलवर में 11, जोधपुर में 8, चूरू में 7, कोटा में 6, सीकर में 5, बाड़मेर में 4, दौसा में 3, जालौर ए झालावाड़ में 2-2, डूंगरपुर सवाईमाधोपुर श्रीगंगानगर में 1-1 मरीज में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। अलवर जिला में आज 11 और पॉजिटिव केस सामने आया। इनके साथ ही अलवर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ो बढ़कर 161 पहुंच गया है। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह बतायो कि जनरल अस्पताल सुनारे सामुदायिक केंद्र माते कोविड-19 हेल्थ सेंटर खोलिया जावेला, जेठे कोरोना मरीजों का इलाज करो जावेलो। 13,000 से ज्यादा टेस्ट जो हैं वो कराए जा चुके हैं। आज जो केसेस जो पॉजिटिव केसेस आए हैं ये तकरीबन 500 के आसपास हमारे ऐसे सैंपल्स थे जो SMS में पेंडिंग थे। इसी प्रकार से 1500 के आसपास सैंपल्स अभी और पेंडिंग हैं। ज़िला प्रशासन अलवर की शुरू से पर ये स्ट्रैटेजी रही है कि हम लोग अग्रेसिव टेस्टिंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो सैलून वाले हों, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हों, चाहे वो सब्ज़ी वाले हों। हर प्रकार से कोशिश ये की गई है कि हर वर्ग का जैसा व्यक्ति जो वल्नरेबल हुआ जा सकता है उसकी टेस्टिंग की जाए। इन सभी चीज़ों से एक चीज़ ज़रूर सामने लाई जा रही है कि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, लगातार बढ़ रहा है। उस परिस्थिति को देखते हुए आमजन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पहले आप कोरोना को सीरियसली लें, चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, इन सभी चीज़ों का अक्षरश पालना करने की ज़रूरत है। अनलॉकिंग करने का मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना का जो एक खतरा है वो टल गया है। अनलॉकिंग सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा इसलिए की जा रही है क्योंकि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना हमारी मजबूरी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ ही जीना है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना को हमें लाइटली लेना है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ज़िले में आगामी समय में भी टेस्टिंग की लगातार व्यवस्था जारी रखी जाएगी। दौसा जिला में आज कोरोना का 3 नया मरीज मिला है। जिला में हालतानी कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 72 पहुंच चुकी है। दौसा जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी बतायो कि हालतानी आया 72 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में कोई 50% प्रवासी है। इन वास्ते 12 राज्य और जिला से आने वाला लोगों माथे नजर रखी जा रही है। दौसा जिले में 3 पॉजिटिव और आए हैं मरीज, जिनके साथ अब टोटल कोरोना पॉजिटिव आने वाले पेशेंट्स की संख्या 72 हो गई है। आज जो पेशेंट्स आए हैं 3, उनमें से 2 बसवा तहसील के हैं और दोनों प्रवासी हैं, दोनों बाहर से आए थे। और अगर अभी ट्रेंड देखा जाए रिसेंटली तो तकरीबन
35 लोग ऐसे हैं 72 में से जो कि अभी तक टोटल प्रवासी जो पॉजिटिव आए हैं, और इससे यही पता चलता है कि हाल में जितने भी पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं वो ज़्यादातर चाहे दूसरे ज़िलों से राजस्थान के या फिर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों में से ही ज़्यादा पॉजिटिव आने की का ट्रेंड चल रहा है आजकल। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहे है कि कोरोना रे चालता राज्य सरकार और चिकित्सा महकमो सतर्क है। कोरोना रे रोकथाम और लोगों ने इनसे बचावारा जरूरी प्रयास कराया जा रहा है। वे कहे कि लारले दिना 25,000 जांचा रोजिना करवारो लक्ष्य रखियो जो हो जिनने पूरो कर लिए गयो है। अब है 40,000 जांचा रोजिना करवारो लक्ष्य रखियो गयो है। और उनका उनकी चिंता यही है कि जब कोरोना कब तक चलेगा कोई नहीं कह सकता, और WHO कह चुका कि इसके साथ जीने की आदत डालनी है, तो हमें मास लेवल पे कैंपेन चलाना पड़ेगा। राजस्थान में वैसे अवेयरनेस आई है आम आदमी के जहन में, हर आदमी मास्क लगा रहा है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, समूह में नहीं जाना है, ये सावधानियां आमतौर पर बरत रहे हैं लोग, फिर भी कोई लापरवाही नहीं हो जाए उसको एंश्योर करने के लिए राजस्थान में 10 दिन का कैंपेन चलेगा 21 जून से 30 तक, और उसमें लार्ज स्केल पे IEC की एक्टिविटीज हम चलाएंगे पूरे स्टेट के अंदर, जिससे आम आदमी को जागरूक किया जा सके। 100 आदमी अगर पॉजिटिव है तो 75 आदमी उसमें से रिकवर हो रहे हैं ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा रिकवरी रेट क्या हो सकती है। ये कंट्री में नंबर 1 है, और भारत सरकार ने 10 बड़े राज्यों के डाटा जारी किए, अभी उसमें राजस्थान टॉप पे है हर में, एक्टिव केसेस के मामले में भी हमारे केसेस बहुत कम है, करीब 2,500 केसेस एक्टिव केसेस है, पॉजिटिव केसेस 11,000 हो सकते हैं, एक्टिव केसेस उसमें से 2,500 रह गए, और रिकवरी रेट 8,000 से ज़्यादा रिकवर हो गए, तो 74.24% होना अपने आप में उपलब्धि है। ये हमारे इंतजाम जो किए हैं मुख्यमंत्री जी के, माइक्रो लेवल प्लानिंग का कमाल है कि राजस्थान में जो लोग पॉजिटिव हैं उनकी रिकवरी इतनी शानदार है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो जी। ये मैं समझता हूँ क्योंकि 5,18,350 टेस्ट किए हैं हमने पूरे कंट्री में, 40,00,000 के करीब टेस्ट हुए हैं अब तक, उसमें राजस्थान ने 5,18,350 टेस्ट किए हैं। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0 से हमने शुरू किया था 2 मार्च को, आज 25,150 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है, और 15 दिन बाद ये 40,000 टेस्ट पर डे करने में हमारी स्थिति होगी जो कि कंट्री की हाईएस्ट स्थिति होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है कि COVID-19 महामारी सारू जागरूकता फैलावा रहे उद्देश्य से प्रदेश में 21 से 30 जून तानी अभियान चलायो जावेलो। मुख्यमंत्री कहा कि इन 10 दिनारा खास अभियान में गांव ढाणिया वार्ड और मोहल्ला ताईरा लोगों ने इन महामारी से बचाव खातर कई माध्यम से जागरूक करो जावेलो। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में राखी जी समीक्षा बैठक में वह कहो कि बिरखारो मौसम शुरू हो वालो है, एना में संक्रामक और मौसमी बीमारियां फैलवारो खतरो बढ़ सके है। COVID-19 महामारी ने लेर अगला कुछ एक महीना खास सावधानी बरतनी वाली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपना जोधपुर दौरा रहे तीजा दिन कई कार्यक्रम में भाग लियो। आज सुवाड़े आपरे निवास माते जोधपुर संभागरा न्यारा जिला से आया लोगारी समस्याएं सुनी और एलकाराना बने निपटाना खातर जरूरी दिशा निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इंद्र न्यारे आज टिड्डू से प्रभावित हलकारो दौरो करो और किसानों से मुलाकात करी। जोधपुर डिवीज़न के भी और जोधपुर जिले के सारे रिस्पॉन्सिबल अफसर्स के साथ में बैठ के चर्चा की है, JJM का काम किस तरह से गति पकड़ सकता है, उसको किस तरह से गति प्रदान की जा सकती है, जो कंटिजेंसी काम हमारे यहाँ हो रहे हैं उन सब की समीक्षा की, और इसके अतिरिक्त जनता जल योजना के जितने ट्यूबवेल्स खराब पड़े हैं उनको शीघ्र चालू किया जाए, उनको रिपेयर किया जाए, इसके बारे में भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। जोधपुर लिफ्ट कैनाल का तृतीय चरण काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षित था, अब आवश्यकता भी है, जोधपुर दबाव झेल रहा है, रोज हम सब लोग देख रहे हैं,
कि पानी की कमी के कारण से हमको आपूर्ति में बाधा होती है, गांव और शहर दोनों जगहों पे बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। थर्ड फेज बनाना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव 1500 करोड़ रुपए का बना करके भेजा था, हमने तुरंत उसको स्वीकृति प्रदान कर दी थी। मैंने फाइनेंस से भी उसको जो है भिजवाया था। हर घर तक पेयजल पहुँचे, शुद्ध पीने का पानी पहुँचे, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्राण प्रण ऊर्जा के साथ में हम सब लोग काम करें। भारत सरकार ने टिड्डी से फसल खराब हो उसका मुआवजा जो है आपदा राहत के तहत भी मिलता है। फसल बीमा से निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन आपदा राहत में भी इसको प्राकृतिक आपदा में माननीय मोदी जी ने सम्मिलित किया है कि व्यक्तिगत मुआवजा भी इसमें मिल सकता है। तो आप गांव में जिस किसी की भी नुकसान हुआ है उसका तुरंत आकलन करा करके उसको एक बार की राहत प्रदान की जानी चाहिए। भारत सरकार ने राजस्थान की सरकार को 13 करोड़ रुपए इसके लिए सहायता जो है राशि प्रदान की है। 800 ट्रैक्टर्स इंगेज करके और उसके लिए वो जो है इमीडिएटली टिड्डी को मारने के लिए काम करें। केंद्र सरकार रे एक बरस पूरो होबा माथे बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कठारा पत्रकार वार्ता ने संबोधित करिया। वह मोदी सरकार रा एक साल री उपलब्धियां ने बताता थका कहो कि वागड़ अंचल में रेल ल्याबो सरकार री प्राथमिकता है, इन खातर वे कई प्रयास कर रिया है। और ये भिलाई की बबुल है जिससे लकड़ियां जरा से धुएं के कारण से कई बच्चे मरे, मर गए इसलिए को कमरे में बंद है, धुआं था, मर गए, आंखों में धुआं घुसता, आंखें कमजोर होती। ये महसूस किया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि क्यों ना इसको गैस चूल्हा, यानी ये जो व्यवस्था इनकी होनी चाहिए उस गैस कनेक्ट उज्ज्वला योजना के अंदर इसको स्वीकृत किया और आम गरीब व्यक्ति को, यानी कि कोई वर्ग विशेष नहीं, आम गरीब व्यक्ति को यह गैस चूल्हा पहुंचाने का काम उज्ज्वला योजना के अंदर किया। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कहो है कि मनरेगा तहत प्रदेश में श्रमिक नियोजन रोजिना 50 लाख से बता हुआ गया है। श्रमिक नियोजन की दृष्टि से राजस्थान देश में पहला स्थान में है। वे कहो कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का चुनौती भरिया टेम में मनरेगा के तहत रोजगार मिलवा से प्रदेश का ग्रामीण हल्का में लोगों को पूरा आर्थिक संबल मिल रो है। वे कहो कि लॉकडाउन के कारण जठे अप्रैल माह खाली 62,000 श्रमिक नियोजित था, वडे महकमारा समन्वित प्रयास से श्रमिक नियोजन बढ़र आज 50,20,000 से बतो हो गयो है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज प्रदेश का कॉलेज प्राचार्य और प्राध्यापक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा वाला आयोजन ने लेकर संवाद करियो। इन दौरान नुआ सत्र शुरू करने, प्रवेश प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग में नई तकनीक का उपयोग जड़ा बिंदुओं में संवाद करियो। जो महत्वपूर्ण जरूरी जो कार्य है उसमें तमाम हमारे विश्वविद्यालयों की विद्यार्थियों की शेष रही परीक्षाओं का आयोजन करना और आगामी जो शैक्षणिक सत्र है 2020-21 उसको प्रारंभ करना, तो इस संबंध में आज हमने राजस्थान के कॉलेजेज के प्राचार्य और प्राध्यापकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी चर्चा की है और सरकार के द्वारा जो निर्णय किया गया है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह से राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों की शेष रही परीक्षाओं को हम आयोजित करेंगे, उसमें प्रथम चरण में हमारी यूजी और पीजी की जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं उनको उन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और उन परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में हमारे कॉलेजेस के शिक्षकों के द्वारा कई सुझाव दिए गए और हमने ये आह्वान किया है कि परीक्षाओं के आयोजन से पहले तमाम परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाए और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो हमारे चिकित्सा विभाग की और राज्य सरकार की केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उस एडवाइजरी का पूरा ध्यान रखते हुए परीक्षाएं आयोजित की जाएं। जयपुर का जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम कहा कि नगर निगम जयपुर का 8वां जोन कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करो जावेलो। वह JDA, PWD, PHED, JVVNL में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करवारा एहलकारा ने निर्देश दिया।
नियंत्रण कक्ष में सर्च लाइन, वायरलेस उपकरण, नाव, रस्सी, बचाव वाहन, गोताखोर, कटाव रोकबा खातर मिट्टी का कट्टा जड़ा सगड़ा छोटा बड़ा जरूरी संसाधनारी मैपिंग कर बारा भी निर्देश दिया। राज्य सरकार एक हुक्म जारी कर प्रदेश का 88 और ब्लॉक माए अंग्रेजी माध्यम से महात्मा गांधी स्कूल खोले जा बारा हुक्म जारी कराया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बतायो कि लेरला दिना 77 ब्लॉक्स माए एड़ा स्कूल खोलिया गया है। वे कहो कि राज्य सरकार सगला 33 जिला मुख्यालय माते एड़ा स्कूल खोलर शुरुआत करी है। इनरा नतीजा बहुत उत्साहवर्धन रिया है। वे कहो कि खोलिया गया इन स्कूल माए जल्दी ही शिक्षकारा पदस्थापन री कार्यवाही करी जावेली। प्रदेश भर में अनलॉक 1.0 माए लगातार राज्य सरकार का निशु छूट दी जा रही है। प्रदेश भर में मॉल और होटल खुलबारा आदेश रपा छे। आज दूजे दिन राजधानी जयपुर रा खास खास मॉल माए बत्ती दुकाना और शोरूम खुल गया है। अटा सरकारी गाइडलाइन रे मुजब नियमारो पालन करियो जा रियो है। राजधानी जयपुर रा खास मॉल रा हालात रो जायजो लियो माका संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। राज्य सरकार ने भी 8 जून से यानी कल से सभी मॉल प्रदेश में खोल दिए गए थे। अभी हम राजधानी जयपुर के चौमू पुलिया स्थित टाइटन मॉल पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले यहां पर आपकी जो है थर्मल स्कैनिंग होगी, बिना मास्क किसी प्रकार का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड सैनिटाइजर लगाया गया है ताकि किसी प्रकार का संक्रमण नहीं रहे। इसके अलावा टचिंग पॉइंट है उस पर लगातार सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ मॉल के जो है मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं। सर बताइए किस तरह की गाइडलाइन है, क्या फॉलो किया? व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सारी दुकानें खुलें और लोगों को रोज़गार का मौका मिले, तो इसके लिए हमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। तो उसके तहत हमने इस पर जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने मॉल की एंट्री पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन दोनों की बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था करी है। कोई भी व्यक्ति मॉल में आने वाला बिना थर्मल स्कैनिंग के और बिना सैनिटाइजेशन के मॉल में उसका प्रवेश निषेध है। साथ ही उसको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की हिदायत और गाइडलाइंस दी हुई हैं। हमने एंट्री गेट पे पूरा पोस्टर भी लगाया है भारत सरकार के द्वारा, जो नियम और कायदे हैं सारे उसका। मॉल के अंदर जो बच्चों के लिए खासतौर से खेलने की जो जगह होती है उसको सरकार ने अभी अनुमति नहीं दी है क्योंकि कहीं संक्रमण का खतरा न रहे। आप देख सकते हैं यहाँ मॉल के अंदर ये भी पूरी तरह से इसको पैक करके रखा गया है। जो बच्चों के लिए यहाँ पर कई तरह की गाड़ियाँ या गेम्स होते थे जहाँ पर बच्चे एंजॉय करते थे, लेकिन सरकार ने अभी इस चीज़ को जो है बैन कर रखा है क्योंकि संक्रमण का कहीं डर न रहे। आप देख सकते हैं ये मॉल का नज़ारा है जहाँ पर आप देख सकते हैं लोग आज धीरे धीरे जो दूसरा दिन है तो लोग कुछ कल की तादाद में आज ज़्यादा आए हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप सैनिटाइज का काम किया जा रहा है, इसी लेटर को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि ये संक्रमण न फैले। ग्राहक इक्का दुक्का पहुंच रहे हैं, हालांकि आज दूसरा दिन है, धीरे धीरे गाड़ी पट्टी पर लौट रही है। हमारे साथ मॉल के अंदर जो शॉप लगा के शोरूम संचालक है, बताएं। शॉप में हमारे कोई भी आएगा, कोई भी कस्टमर आता है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का हमने पूरा ध्यान रख रखा है। यहाँ हमने उनके लिए सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क, अगर कोई भी कस्टमर बिना मास्क के भी आता है हम उसे मास्क प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा हमारा पूरा स्टाफ आप देख सकते हैं मास्क लगा के है और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करता है पूरा स्टाफ। कोई भी कस्टमर कुछ भी ट्रायल करता है तो वो ट्रायल गुड्स हमारा क्वारंटाइन में जाता है फॉर 24 आवर्स, और 24 आवर्स के बाद उसको निकालने के बाद हम उसको ज़िफ़ी करते हैं, जो कि स्टीम आयरन होता है वो स्टीम करते हैं, उसके बाद वो वापस अपनी जगह पर लगता है। मॉल ओपन होने से सर कुछ सुविधा उपलब्ध होगी सर, जैसे कि कपड़े वगैरह, शूज वगैरह, ये सब इत्यादि की जरूरत आवश्यकता के हिसाब से है। सरकार की नई गाइडलाइन में मॉल खोल दिए गए हैं, मॉल में लगातार सुरक्षा के भी जो है पूरे इंतजाम हैं, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा रहा है। साथ ही ग्राहक भी जो है अब धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं और सरकार की गाइडलाइन की पालना भी कर रहे हैं। हनुमंत सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर ईएसआई मॉडल शफाखाना माए सामान्य चिकित्सा सेवावां शुरू होएगी। इनमें ओपीडी, इमरजेंसी सेवावां, भर्ती और जांच की सुविधावां शामिल है। इनसे पहले शफाखाना माए 168 कोरोना पॉजिटिव मरीजारो इलाज करियो जा चुको है। शफाखाना रा अधीक्षक डॉक्टर बनारस दास बतायो कि सामान्य चिकित्सा सेवावां शुरू होबासू दूजी बीमारियां रा मरीजा ने फायदो मिललो। सीकर जिला रा हर्ष गांव में गिरता जलस्तर ने रोकबा खातर नौजवान एक मिसाल पेश कीनी है। गांव रा नौजवान 3 वर्षा में 4 वाटर रिचार्ज और हार्वेस्टिंग प्लांट लगार पानी रो जलस्तर बढ़ायो है।
विवेकानंद हर्ष मंडल का सदस्य शंकर सैनी रो कहना है कि गांव में हर बरस 2-3 फीट ताई भूजल स्तर नीचे जा रही हो, कई हैंडपंप ट्यूबवेल सूख गया है, चौकी बिरका होबारे बावजूद जल स्तर कम हो रही हो। इंडा देखता थका गांव रा नौजवान मिलर विवेकानंद हर्ष मंडल समिति बनाई उधर था, तो इस वजह इसको लेकर यहाँ के जो यूथ है उन्होंने ये तय किया कि कैसे अपने गांव को साफ सुथरा रखा जाए और जो व्यर्थ बह रहा पानी है उसको कैसे स्टोरेज करके ज़मीन के अंदर उतारा जाए। तो इस तरह की 4 यूनिट हमने तैयार कर दिया और आगे हम लोग जो भी जो ख़राब बोरवेल है या ऐसी जगह जहाँ इकट्ठा पानी ज़्यादा है उसको लेकर हम लोग आगे ये प्लानिंग कर रहे हैं कि और भी गांव में ऐसे काम हो। इन रिचार्ज पॉइंटों के माध्यम से जो ग्रामीण एरिया का जल स्तर गिर रहा था वो अभी काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। जो हर साल 3 फीट की नीचे जा रहा था तो अभी आसपास की जो ट्यूबवेलें यहीं 50 फीट दूरी पर एक ट्यूबवेल भी है तो उनमें हर बार वो पानी का स्तर नहीं गिर रहा है। और इस रिचार्ज पॉइंट का लगभग खर्च जो है 1,20,000 रुपये आया है। दोद और हर्ष के आसपास का एरिया वाटर कंजर्वेशन को लेकर डार्क जोन में आता है तो इसी के रिगार्डिंग विवेकानंद नायक मंडल और आसपास के यूथ ने सबने मिलकर और यहाँ जो कि हर्ष गांव में पानी की जो गंदे पानी की और जो पानी जो बाहर ऐसे ही नालियों में बाहर पड़ा रहता था उसकी जो खास समस्या थी उसको लेकर हमने 4-5 वाटर कंजर्वेशन के लिए वो बनाए हैं ट्यूबवेल जो सीधे 160 फीट पानी को रिचार्ज करता है वाटर अंदर। हमारे गांव का मान एक तो समस्या पानी वाली बोली ज़्यादा ही और पानी हो जाने भी गांव का नालियाँ बुआर वो ख़राब कर देता, रास्ता ने ख़राब कर देता, रास्ता का मान गंदगी उ जाती। ए महाराज जी का टाबर है जकार गांव का बच्चा है मिल मिलार भी की साफ सफाई करे लगा स्वच्छ अभियान के अंतर्गत साफ सफाई कर भी को वो एक पानी के लिए बोरिंग करवाए और भी कमान भी गंदा पानी ने फिल्टर कर भी कमान नीचे उतारियो। केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण महकमा और कृषि महकमा कानिसू जोधपुर रे आरएसआरआर गांव में टिड्डी री रोकथाम खातर कार्रवाई करी जा रही है। केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण महकमा रा निदेशक संजय आर्य बतायो कि टिड्डिया रा खात्मा खातर ट्रैक्टर एयर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सू स्प्रे करियो जा रही है। इनसु न्यारे ड्रोन रो भी प्रयोग करियो जा रियो है। राजस्थान के काफ़ी क्षेत्रों के अंदर टिड्डी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और हम राज्य कृषि विभाग के साथ मिलकर तुरंत प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या को समय रहते इसको नियंत्रित कर लिया जाए। पूरी प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर लंबे पेड़ों पर टिड्डी बैठती है वहाँ पर जो हमारे जो इक्विपमेंट हैं जो मशीनें हैं वहाँ लंबे पेड़ों तक ऊंचाई तक अपनी दवा का छिड़काव नहीं कर पाती हैं। कोई सुनवाई नहीं है और बहुत पीड़ी नुकसान कर दिया था, बहुत ही था। कल हमारे लुणी विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा टिड्डी दल आया था। टिड्डी दल है 5 किलोमीटर की दूरी पड़ाव ले रखा था और किसानों के बोई हुई फसल पूरी सौपट कर रखी है। हमी फसल भाव को उगती फसल ने खा को कीट बहुत नुकसान करे ये मरकाजदार तो रुझान में तो करो की कर आपने बहुत जल्दी में जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए। बूंदी जिला में टिड्डियारा कई दल देखबाने मिलिया जिनसु लोगा में हड़कंप पहुंच गयो। टिड्डी कई पेड़ा ने भी नुकसान पुगायो। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा बतायो कि टिड्डी दल माथे नियंत्रण खातर कंट्रोल रूम बनाया गयो है। दुनिया भर में जानियो माने रणथंबोर राष्ट्रीय अभयारण्य लॉकडाउन रे पाछे खोल दियो गयो है। अभयारण्य में सैलानी और जिप्सिया ने सैनिटाइज कर पार्क में प्रवेश दियो गयो। मां का सवाई माधोपुर संवाददाता यशवंत जोशी री एक रिपोर्ट। अंदर सुरक्षा की दृष्टि से जो एडवाइजरी जारी की है एनटीसीए ने स्टेट गवर्नमेंट ने उन सबका पालन करा रहे हैं हम। किसी की एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी है कि गाड़ियों के टायर भी सैनिटाइज किया जाए तो गाड़ियों के टायरों को भी सैनिटाइज किया गया टूरिस्ट व्हीकल्स का। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना के लिए व्हीकल कैपेसिटी को आधा कर दिया गया है। 6 की बजाय 3 लोग ही अंदर जा रहे हैं एक जिप्सी में। टूरिस्ट अंदर जो हमारी टॉयलेट फैसिलिटीज़ है उनको उपयोग नहीं कर सकते
उनको बंद कर दिया गया है और इसकी पालना के लिए गाड़ियों से कहा गया है कि वो चौकियों पे भी नहीं जाए। आई वॉज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग फॉर दैट पब टू ओपन एंड इन मॉर्निंग आई गॉट अ चांस एंड आई हैड अ प्रीवियस बुकिंग सो इन मॉर्निंग जोन 3 आई वेंट टू जोन 3 एंड फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड एरोहेड कब सो दैट्स अ वेरी रिमार्केबल टाइग्रेस वेरी पॉपुलर इन रणथंभौर। आपने बता देवा कि डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगड़ा समाचार थे। माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माते देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने भी फॉलो कर सको हो। अरब एंड बुलेटिन रा खास खास समाचार माथे एक नजर फेरूं। प्रदेश में हाल ताणी कोरोना रा 11,000 से बत्ता मामला आया सामने। आज मिलिया 144 नया केस, 5 लोगों की हुई मौत। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो कोरोना की रोकथाम और लोगों ने इनसे बचाव खातर करिया जा रहा है जरूरी प्रयास। 40,000 जांचा रोजीना करवारो राखियो गयो है लक्ष्य। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कोविड-19 से बचाव खातर प्रदेश में 21-30 जून तानी चालेलो खास जागरूकता अभियान। कोरोना संक्रमण से बचाव खातर आम जन ने करियो जावेलो सावचेत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में कई कार्यक्रमों में लियो भाग। लोगों से सुनी समस्याओं, टिड्डी से प्रभावित क्षेत्रों को करियो दौरो। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कहो 50,00,000 से बत्तर श्रमिक नियोजन के साथ मनरेगा में राज्य देश में पहला स्थान में है। लॉकडाउन की टेम मनरेगा के तहत रोजगार मिलवा से ग्रामीणों ने मिलो पूरा आर्थिक संबल। इंडिया साथी आज रो यो समाचार बुलेटिन पूरो यो। नमस्कार।